लेने की कोशिश, डैमेज काफी अच्छा वहां पे देखने को मिला, अननोन को डाउन, लेकिन बैक एंड साइड से जी गॉड को भी केयर टेक डाउन करने में कामयाब हो चुका। थर्ड सेकंड फर्स्ट में आने के लिए भाई बहुत बहुत ये करने पड़ते हैं, बहुत दोस्त बनाने पड़ते हैं। प्रेगा वांट टू जॉइन गॉडेल, क्या आप उनको लोगे या नहीं? गॉडेल या एसेटुअल देख। लाइट पर चलिए, थोड़ा सा वन साइडेड तो रहेगा एज ऑलवेज, इसमें कोई चीजें देखने को नहीं मिला, बट जो मैक्सिमम ड्रॉप स्पॉट है वो तो कवर किया जा सकती थी। अल्ट्रॉन ओपी को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया है, और ये कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी यहाँ पे स्टार्टिंग के टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं की गई थी, जो नाम है वो नाम यहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट उम्मीद बिल्कुल नहीं की गई। चौथा तक बात करें तो मुक्केबाजी आजकल बहुत चल रही है, अल्ट्रॉन को भी यहाँ पे मुक्के मार के मैच से बाहर कर देंगे, एक नुकसान टीम एक्स के ऊपर में हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इस मैच में ना तो स्काउट देखने को मिल रहा है ना ही मवी है, तो देखते हैं क्या हो सकता है फिलहाल इस सिचुएशन में टीएक्स पार्क के लिए। केवल एक लेवल का यहाँ पे वेस्टी ग्रेनेड का पेन और सामने से टीम गॉडलाइक एंट्री फिनिशेस चाहते हैं, और इस मैच में देखते हैं टीम गॉडलाइक एक अलग रवैये के साथ इस मैच में अपने आप को रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो कमबैक की बारी रहती है वो तो आने वाले टाइम में ये कर लेंगे। लेकिन चौदह तक के सर पे ये ग्रेनेड गया, चौदह तक को फिलहाल यहाँ पे नॉकआउट किया गया माइक रूजी के साथ, यहाँ पे क्लच शॉट को डिग्राउंड कर दिया, रिलोड की बारी रहेगी सामने, डीवाईडीयू की तरफ स्प्रे लेकिन अच्छा फ्री फायर, अच्छा कंट्रोल, नॉकआउट किल को करने में कामयाब हो गए, वरना टीम गॉडलाइक के लिए यहाँ पे मुश्किलें पड़ती चली जा रही थी। मेरे को जल्द से जल्द उनकी तरफ दौड़ लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि टीम गॉड लाइक यहाँ से अगर कम बैक कर लिए तो आपके लिए दिक्कतें खड़ी कर देंगे। बैक से यहाँ पे बात करें तो जी गॉड आ रहे हैं, जी गॉड यहाँ पे शॉट्स लेने की कोशिश, डैमेज काफी अच्छा वहाँ पे देखने को मिला, अननोन को डाउन, लेकिन बैक एंड साइड से जी गॉड को भी केयर टेक डाउन करने में कामयाब हो चुका। आखिर प्लेयर आ रहे थे लेकिन टीम एक्स वाक किया गया, टीम गॉड लाइक के सारे प्लेयर को यहाँ पे रिवाइव दिया जाएगा, नियो ने पूरी टीम को सेवियर का रोल अदा किया, लाला ने पूरी टीम को वापस से संभाल लिया, और ज़ेडियस के बीच में भिड़ंत हमें देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल पहुंच चुके उसी तरफ हम, पांच प्लेयर टीम गॉड लाइक अभी तक के खाते में जुड़ चुके, और प्लेयर इनके पास भी है, तीन प्लेयर बात की जाते हैं यहाँ पे सर्वाइव करने की पूरी कोशिश में यहाँ पे लगे, बट आप देखने वाली बात रहेगी। सर्कल देखिए काफी अच्छा एक सर्कल देखने को मिल रहा है, न्यू की तरफ से ग्रेनेड, तीन फिनिशर उन्होंने स्टार्टिंग में ही अपने एंड पे निकाला, और थ्री काफी उमदा तरीके से स्पॉट पे अपने लिए निकाला, लेकिन आप यहाँ पे बात की जाए तो अलियस की तरफ स्टार्टिंग की चौथा की तरफ से बात करें तो गॉडल को डाउन किया गया, मैच से बाहर भी करने की कोशिश की जा रही, गॉड अलियस के स्काउट लव को भी शायद यहाँ पे मुश्किल में डाला जा सकता है, बट इस बीच क्लच गॉड को डाउन किया गया यहाँ पे, इनटू थ्री प्लेयर्स यहाँ पे फिलहाल सर्वाइव कर रहे हैं। जॉनथन की तरफ यहाँ पे शॉट लेने की सामने से ग्रेनेड देखिए काफी ऑन पॉइंट, बेफिक्र होकर आगे जाते हैं, और वही यहाँ पे जॉनथन ने अपने एंड से किया, बेफिक्र गए, फिनिशेस निकाल रहे, 10 फिनिशेस निकाल चुके हैं, अभी भी चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, जूसी का सफर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, पूरे चांस रहेंगे ब्लास्ट होने के, उनकी भी ब्लास्ट हो सकती थी लेकिन सही सलामत आगे, लेकिन नॉकआउट कर दिया जाएगा वापस से पिक्सल, दे बैठे यहाँ पे नॉक तो किया गया, साथ ही साथ फिनिश ऑफ भी कर देते हैं जॉनथन, एक सेकंड में ही यहाँ पे बात की जाए कुछ सेकंड से युवा और जैसे ही उठाते हुए नजर आते, बट अभी के लिए उनको भी ऊपर उठना पड़ेगा। अल्ट्रा बॉय यानी अगर बात की जाए यहाँ पर हमारे दियो की बात करें, वो क्लच के बाद जिस तरह से टीम का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ ना, आप देख ले वहां के वो 4 किल और यहाँ पर वो 11 किल की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी उनको पता है काम खत्म नहीं है। ओके मौसम की बात करें आगे यानी कोशिश क्लच गॉड के पास M249 पूरी वो कांचे तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन वो विंडो का जो स्पेस था बहुत लिमिटेड था, जिसके कारण क्लच गॉड को अपने रेडियस को एडजस्ट करने का ज्यादा मौका मिला नहीं, पांच टीमों के बीच बैटल बैटल यहाँ पे अब बच सा गया है, क्योंकि वेस्ट आप देखिए क्लच गॉड की काफी ज्यादा डैमेज है, जिसके कारण क्लोज फाइट में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, नॉकआउट हमें देखने को मिल सकता है, बट अभी के लिए टीम एक्सो के ऊपर प्रेशर बिल्ड करती हुई एक के बाद एक बेहतरीन टीम्स को एलिमिनेट करने के लिए अभी के लिए अगर सर यहाँ पर टीम गॉट लाइक, क्योंकि इससे पहले टीम एक्स पार्क है, उसके बाद एलियस है, उसके बाद 8-bit को भी कहीं ना कहीं उन्होंने डैमेज प्रोवाइड करा था, और ये देखिए इमॉर्टल को कर दिया जाएगा गेम से बाहर। जॉनथन ऑन फायर, 5 फिनिश निकाल चुके हैं टोटल, और ऑन फिनिश की बात करें 12 फिनिश उनके द्वारा देखने को मिलते हुए, नियो भी आपस सेंस की तरह, और देखिए शायद टीम एक्सो को लगा था कि एक ही डायरेक्शन से उनके ऊपर एक ही डायरेक्शन की तरह से यहाँ पर उनके ऊपर डैमेज आएगा, बट जी नहीं यहाँ पर फ्लैंकिंग भी जारी है, और अभी के लिए एक टीम को एलिमिनेशन करने के बाद यहाँ पर टीम गॉड लाइक ना ज्यादा टाइम लेना चाहेंगे ये प्लेयर्स। वापस से बात करें तो गाड़ी यहाँ पे सेरेसी स्प्रे गॉड थोड़ी सा लकी साबित हुए और मैच से बाहर कर दिया गया था, लेकिन शायद वो कनेक्शन अभी ढूंढने में कामयाब प्राप्त ना हो, लेकिन बैन करने की गलती लास्ट के कुछ मूवमेंट पे जॉनथन ने वापस से इस चीज का फायदा उठाया, समझ सकती पाएंगे शॉट्स आया तो आया कहां से चुके, क्योंकि अभी यहां से स्लैमन जाता हुआ सेवन सीज के केवल एक प्लेयर प्रिंस के रूप में जो कि पीछे हटे हुए, डीएसएम क्या यहां पे रुकेंगे, यहां पे थर्ड पार्टी उसी टाइम करना पसंद करेंगे, फिनिश ऑफ किया जाएगा एक एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे और जॉनथन के पास जाएगा ये फिनिश, क्योंकि जो इनिशियल डैमेज
था वो ऑलरेडी के सपोर्टर की तरफ से दिया जा चुका है। ट्रैवल करना है, फुल बूस्ट अपने आप को किया जा रहा है। उसके बाद अब कोई बूस्टर यहाँ पर उनके पास नहीं है। तीन फर्स्ट विकेट है स्लैम में डालने की कोशिश यहाँ पर, और जोनाथन की बैटल की तरफ ही, मतलब कुछ खिलाड़ी को बाहर भेजा जाएगा। ये गाइस आप देख लीजिए, नवा सर्कल अभी के लिए सिंकिंग होना स्टार्ट हुआ, कुछ समय का इंतजार है। और यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन भी यहाँ पर चले जा रहे हैं, मतलब उनको अगर देखा जाए कुछ इमोशंस यहाँ पर किए जा रहे हैं, जिसके लिए जाने जाती है यहाँ पर टीम गॉड लाइक जी गॉड तैयार है। और देखिए जब कुछ ना हो तो थोड़ा बहुत तो टाइम पास यहाँ पर करना बनता है, जिस तरह से कर रहे थे अब सारा दौर हमदार अब जोनाथन के ऊपर है, एंड वो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर अभी के लिए जीत यहाँ पर चले लेके चले कि अनफिनिशेस काउंट की तो बारी अगर बात की जाए 21 फिनिश के साथ ये हुए। लोगों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रहते हैं। यार मेरे को लगा आप मेरे को तभी याद रखोगे जब मैं #1 पे आ जाऊंगा या #2 पे आ जाऊंगा, तब मेरे को शायद आप याद रखोगे। अबे इसमें गलत क्या है भाई, सही बात तो है। #1 #2 #3 मतलब लाइफ की अपॉर्चुनिटीज को पार कर करके लाइफ में ऐसा 1 2 3 यू नो, इंसान को खुद से, मैं कह रहा हूँ इंसान को खुद से फाइट करना चाहिए कि आप, अबे भाई तू ड्राइवर है सलमान खान का क्या? अरे भाई मैं कह रहा हूँ गाइस, इंसान को खुद से फाइट करना चाहिए कि आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो फिर मैं यहाँ जाऊंगा, कल कल परसों यहाँ जाऊंगा, तो डैट इज लाइक मैं अगर आज 4th पे हूँ तो कल मैं 3rd 4th 2nd देन 1st यू नो लाइक ऐसा। और भाई बहुत मेहनत लगती है भाई 4th 3rd 4th 1 में जाने के लिए, लाइक 3rd 2nd एंड 1st में जाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, आपको पता नहीं है। मेहनत जाएंगे मैच बताने में, मेहनत नहीं लगती बिल्कुल भी, कोई मेहनत नहीं लगती भाई कोई। 3rd 2nd 1st में आने के लिए भाई बहुत बहुत ये करने पड़ते हैं, बहुत दोस्त बनाने पड़ते हैं, बहुत फिर अबे नेटवर्क डील हो गया। हाँ तो गाइस मैं ये कह रहा था कि अपनी लाइफ में फोकस करो ठीक है, और थोड़ा सा क्या कहते हैं अच्छी चीज़ें फोकस करो, बुरी चीज़ें फोकस मत करो, और जो भी फालतू की चीज़ें चल रही है इन सब पे ध्यान मत दो, दैट्स ऑल आई कैन से ठीक है। एंड मैं बस ये विश करता हूँ कि सब लोग मेहनत करें, आगे बढ़े, अपने काम से काम रखें, एंड अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि उंगली करने फोकस करें, बिकॉज उंगली वो लोग करते हैं या फालतू की चीज़ें वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, जो वेले बैठे रहते हैं लाइफ में, जिसके पास कोई गोल नहीं होता है और जो आगे नहीं बढ़ पाते, तो वो दूसरों को उंगली करके खींच खींच के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें मत पढ़ो राइट, अच्छी चीज़ें करो, अच्छे चीज़ों पर ध्यान दो। तो मैं सबके लिए अच्छा विश करता हूँ, ताकि जैसे मैं भी ग्रो हुआ हूँ आप लोग के पेरेंट्स सपोर्ट से, वैसे बाकी लोग भी ग्रो हो। एंड मैं तो हमेशा लगे ना रेड वेडम करते रहते हैं, सारी चीज़ें करते रहते हैं। रही बात चैलेंजेस एंड ऑल की, तो चैलेंजेस फालतू चीज़ें, मैं इन सब में बिलीव नहीं करता राइट। अगर मुझे चैलेंजेस करने होते तो मैं डेफिनेटली कर लेता, मेरे को तो शायद डेंजर ने किसने बताया, न्यूक्लियर ने बताया शायद मेरे को कि ऐसा सा कुछ है। तो यार ये सब ना मेरे लेवल की चीज़ें नहीं है ब्रो, लाइक दिस इज नॉट थिंग दैट आई शुड बी डूइंग ओके। एंड अगर आपको लगता है कि मुझमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो फिर आई थिंक सो आपको मुझे अच्छे से फॉलो करना चाहिए कि मैं कहाँ से कहाँ तक आया हूँ, कैसे आया हूँ। अगर मुझमें एटीट्यूड है तो हाँ भाई है, आप भी 11-12 साल 10-9 साल क्या चल रहा है, 2022-21 चल रहा है ना, 2009 से आप लगा लो, 2009 तो क्या ही हो, तब से तो मैंने YouTube स्टार्ट किया था, उसके पहले से और कितने भी साल है, आप लगा लो जितना आप लगा सकते हो साहब, उतने साल आप भी मेहनत करो, आप भी क्रिटिसिज्म झेलो, आप भी हेट झेलो, आप भी 5-6 साल कंटिन्यूसली 0 वॉचिंग 1 वॉचिंग 2 वॉचिंग पे मेहनत करते जाओ, एंड उसके बाद फिर आप इस मुकाम तक पहुंचो। तब एटीट्यूड दिखाओ अपना, तब आप दिखाओ, अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो फिर आप एटीट्यूड मत दिखाओ, और फिर मेरे को बोलो मत कि मुझमें एटीट्यूड है, अगर मुझमें है तो फिर भाई उखाड़ लो जो खा सकते हो, मेरा बस इतना ही बोलूंगा यार। बाकी तो मैं सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड सबसे बहुत अच्छे से बात भी करता हूँ, प्यार से बात करता हूँ मैं, कभी किसी से रूडली बहुत शुरुआत में रूडली बात करता हूँ, जब नए हम लोग थे ना, अब जैसे आई थिंक 2017-18 की बात होगी, तब मैं बहुत रूडली बात करता था और बहुत एटीट्यूड में बात करता था, बट अब वो जमाना जा चुका है यू नो, अब थोड़ा सा मैच्योरिटी आ गई है दिमाग में, क्योंकि क्या जब आप नए प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हो ना, तब आपको नई नई चीज़ें देखने मिलती है, नई नई चीज़ें सोचते हो, फिर आप बोलते हो अच्छा मैं तो ऐसा बोल दूंगा, नहीं जब आप मैच्योर हो जाते हो ना, तब आप ये सब फालतू चीज़ों में नहीं पढ़ते हो यू नो, ये जो भी फालतू चीज़ें हो रही है ये सब फालतू लोगों का काम है, कि हमारा काम नहीं है। गॉडल ज्वाइन करना था, अच्छा बूट कैंप और पैसा मिलता। अश्विन मिश्रा भाई थैंक यू फॉर द 40 ब्रदर, इट्स ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटी, मुझे जो अपॉर्चुनिटी ठीक लगी मैंने वो ज्वाइन कर ली मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ इन द एंड। मैं किसी चीज़ को कंपेयर नहीं करना चाहूँगा और ना ही आपको करना चाहिए, बट डेफिनेटली आप कंपेयर करोगे तभी तो मिर्च मसाला और यू नो हमें स्पाइसीनेस मिलेगा, वो जो लोगों को चाहिए होता है ना स्पाइसीनेस वो मिलेगा, बट आई वोंट कंपेयर इट, फॉर मी एवरी प्लेस इज द सेम, बट जहाँ पे मुझे अच्छा लगा अपॉर्चुनिटी में वहाँ पे ज्वाइन किया। गॉडेल या SA12 देख पासू मर्थी सिद्धार्था मेरे भाई, देखो हॉनेस्ट ओपिनियन दूंगा गॉडेल और SA12 का, अगर आप पूछ रहे हो मेरे को तो कंटेंट क्रिएटर वाइज डेफिनेटली SA12, एज ए CC वाइज SA12, करेंटली जो चल रहा है ई स्पोर्ट्स के हिसाब से गॉड लाइक,
ऑनेस्ट ओपिनियन, कोई बकचोदी नहीं, समझ गए? ओके, सो व्हाट इज टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी? टैलेंट मैनेजमेंट इज आई एम अ टैलेंट एंड आई डू सम यूट्यूब स्टफ, आई डू इंस्टाग्राम स्टफ एंड ऑल. ठीक है, तो उस पर यह होता है कि लाइक ना मेरे को जब लोग बहुत ज्यादा देखते हैं एंड देन द कंपनी थिंक्स ओ बैंचूत हस्तर ने आज कॉन्ट्रोवर्सी की, उसको इतने लोग देखे, फक, ओ स्काउट ने आज गाली दी, लोगों की माई चुत गई, फक, ओ मॉर्टल ने आज क्लच किया, बैंचूत 1,00,000 लोगों ने देख लिया. सो ब्रांड थिंक्स ओ अगर ये बंदा को 1,00,000 लोग, 2,00,000 लोग, 3,00,000 लोग देख रहा है, तो अगर ये बंदा हमारी कंपनी का नाम लेगा अपने मुंह से, फॉर एग्जाम्पल, देने की जरूरत नहीं है, सो कंपनी थिंक्स उससे एडवर्टाइजमेंट होगा, हमारा प्रॉफिट हो रहा है. बट द थिंग इज मी बीइंग ए टैलेंट, या तो मैं जो कंटेंट है वो सोच लूं कि आगे जनता को क्या दिखाना है, और या तो फिर मैं अपना धंधा कर लूं, बिजनेस, बराबर. सो व्हाट हैपेंस इज लाइक आई कैन फोकस ऑन माय वर्क एंड एवरीथिंग एल्स, लाइक आई कैन क्रिएट वीडियोस, व्लॉग्स, गेमिंग, स्ट्रीमिंग, लोड़ा लसन, जो करना है मैं कर सकता हूँ. देयर इज गोना बी ए गाय बिहाइंड मी जो मेरे लिए मेरा बिजनेस करेगा. ओके, इट कैन बी ए कंपनी, इट कैन बी ए इंडिविजुअल एक्स वाई जेड, जो आपसे आपकी ब्रांड के लिए लड़ेगा, है ना. और अगर ब्रांड बोल रहा है 25,000 रुपये वीडियो दूंगा, तो पीछे बंदा जो है वो बोलेगा नहीं भोसड़ी के 50,000 लूंगा वरना माचूंगा. सो इट्स लाइक नेगोशिएशन थिंग्स. आई एम नॉट, दिस इज नॉट ए फकिंग एड गाइज, स्टॉप टाइपिंग, स्किप. मैं आप लोगों को ज्ञान चोद रहा हूँ संडू के, वो 25,000 का 50,000 कैसे निकलवाना है सामने वाले से वो देखता है. तो दैट इज टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी. रेगा वांट टू जॉइन गॉडल, क्या आप उनको लोगे या नहीं? रेगल टॉस का बोल रहे थे, तो वो क्या सीन हो गया था कि जिस दिन हम लोग खेले थे एक साथ, उस दिन को रेगल टॉस का मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था नॉर्मली कि ऐसा स्लॉट है क्या कस्टम में, एकदम नॉर्मल था. तो मैंने भी नॉर्मली बोला हाँ है हमारे पास स्लॉट, आ जा खेलते. तो वो आया तो ना, तभी क्या हुआ कि इंस्टा पे मैंने सोचा उसको फॉलो कर दिया, दोस्ती था वो मेरा ऐसे ही पहले, तो मैंने उसको फॉलो कर दिया. फॉलो करने के बाद उसने मेरे को फॉलो बैक किया, फिर उसके बाद वो गेम में आया, फिर स्ट्रीम कर रहा था वो लोग को, उसने बोला कि मैं लोको बंद कर रहा हूँ, तो लोको बंद कर दिया. लोको बंद करने का मैं मुझे कुछ सीन भी नहीं हो गया, तो उसने बोला कुछ तो भी हुआ है, मतलब था उन लोग के बीच में. तो उसने बोला कि मेरे को प्रैक्टिस करना था, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तुम लोग के साथ. मेरे लगा ये ठीक है, तू खेल सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इशू नहीं है. फिर उसने बोला कि मैं नेक्स्ट मैच नहीं खेल रहा, मैं आता 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 ऐसा बोला. फिर उसने मेरे को जाके इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया, मतलब मैं फॉलो कर रहा था उसको, उसने अनफॉलो कर दिया, क्या हुआ पता नहीं. तो भी बस इतना ही है. तो देखो आई डोंट नो, देखो तो इस हिसाब से पता चलता है कि वो सोल का डेडिकेटेड प्लेयर, मतलब सोल, वो सोल के लिए एकदम लॉयल है, उसको सोल पसंद है, तो वो सोल में ही अच्छा है गाइस, और हम मॉडल में अच्छे हैं, वो उधर खुश है, हम इधर खुश है. और कभी ऐसा रहेगा कि फ्रेंडशिप रखना हो नहीं रखना हो, वो तो दोनों साइड पर डिपेंड करता है, उस पर भी हम पे भी. बाकी तो सब चिले हम लोग के बीच में. देखो उसने मेरे को कितने सालों बाद मैसेज किया, तो मैंने उसको अच्छे से रिप्लाई दिया, हम खेले अच्छे से. देखो एट द एंड तुमको पता है क्या गाइस, जब ये हुआ था स्काई स्पोर्ट्स का, ये हुआ था जो चैंपियनशिप का सेरेमनी हुआ था, सेरेमनी जिधर स्काउट आउट आए थे, आप लोग को क्या लगता है गाइस? मैं चैट में देखता है जब स्काउट और मैं टॉप फ्लैगर बने थे, जब स्काउट के 27 थे मेरे 23 खेलते, लो स्काउट इज बेटर देन नियो, नहीं नियो इज बेटर देन स्काउट, नियो कंसिस्टेंट टॉप फ्लैगर है, स्काउट एक बार आए, मतलब लोग बोल रहे थे. तो आपस में तुम लोग इतना हेट देते हो. अभी उधर क्या सीन हुआ था कि हम लोग ऐसे बैठे थे और स्काउट को मैं देखा, स्काउट आया, तो अब मेरे सामने से बात नहीं कर रहा था, मैं भी नहीं कर रहा था, ठीक है. तो हम लोग ऐसे, मैं और पूरी 7 सीज की टीम एक जगह पे बैठे थे, तो बैठने के बाद स्काउट ऐसा चल गया. अब मेरे को लगा कि आ रहे चल के लोग से बात करेगा, पर वो बंदा मेरे साथ के बात किया पहले कि कैसा है, तो मैं भी उससे बात किया, मस्त, तू बता भाई कैसा है. फिर हम लोग उठे हक्के एक दूसरे को, मतलब तुम समझ रहे हो रियल लाइफ में हम लोग ऐसे. फिर वो जोनाथन से मिला, फिर वो घातक सबसे बात हुई, मतलब रियल लाइफ में हम लोग सब एक दूसरे से इतना चिल्ले, मतलब देखो हम लोग एट दिन कितना भी हेट रहे, तो हम लोग जब मुँह के सामने एक दूसरे के आएंगे ना, सब इज्जत से एक दूसरे से बात करते हैं, इज्जत देके रिस्पेक्ट रहते हैं एक दूसरे को लेके. और इधर छोटे छोटे बच्चे लोग न्यू वेरा ये न्यू स्काउट का बाप है, स्काउट न्यू का बाप है, ये वो, तुम लोगों को नहीं पता ब्रो कि ऑफ स्क्रीन या ऑफ स्ट्रीम पीछे क्या चलता है, वो कितना अच्छे फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के, कौन किसका अच्छा फ्रेंड है. तुम लोग इधर ऑन स्ट्रीम तुम लोगों को जो दिख रहा है इन गेम रेंज में, स्काउट ने इन गेम रेंज में कुछ बोल दिया, मैंने इन गेम रेंज में कुछ बोल दिया, भाई तुम लोग बाहर के कंट्रीज में जाके देखो क्या बोलते हैं.